श्री शंकर भारती महास्वामी जी मदलू तबू नम प्रदेश के बंद्रा मत नम आश्रम के बंदी दरा, तम दो सुस्वागतम धन्यवाद हमें बहुत खुशी है स्वामी जी आप यहाँ आए और आपके वचन सुन के आपकी बातें सुन के बहुत खुशी हुई हम अक्सर ये बातें करते हैं कि सिख धर्म और गुरु ग्रंथ साहब किसी एक पर्टिकुलर धर्म के लिए लिए नहीं है किसी पर्टिकुलर संस्था के लिए नहीं है अगर उसको कोई भी धर्म को मानने वाला मानता है तो वो सबके लिए है वो गुरु जी की जो गुरबाणी है वो सबको सुख देने के लिए है उसको कोई भी मान सकता है ये जो दीवारें खड़ी की गई हैं ये जो कट्टरताएँ खड़ी की गई हैं ये तो हमारी छोटी बुद्धि की वजह से है आज जब मैं आदरणीय श्री शंकर जी के जो वचन आपने सुनाए हैं उनको सुन के ये लगता है कि इनमें भी वो एकता है वो जो एकता सबके लिए है उनके वचनों को मान के भी उनकी सतौती को मान के भी कोई भी धर्म वाला मान के सुख पा सकता है क्योंकि ये सुख और दुख ये हमारे मन की अवस्था है जैसे आप सबने सुना है जो चीज़ एक परमात्मा की आत्मा की जो स्वामी जी ने कही है तो हमारी गुरबाणी में भी बहुत चीज़ें वही हैं मैं अक्सर यादविंदर सिंह से बातें करते हैं कि अगर हम फिलासफ़ी लें तो जो हिंदू धर्म की या हमारे पुरातन धर्म की या आदरणीय श्री शंकर जी की जो फ़िलासफ़ी है उसमें और सिख फ़िलासफ़ी में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है शायद कोई अंतर नहीं है ये तो हमारे पूजा के ढंग अलग अलग हैं एक ही जगह पहुंचने के हमारे पूजा के ढंग अलग अलग हैं वो इसलिए है कि जिन्होंने भी गुरबाणी रची है हमारे गुरु साहब ने और भक्तों ने शायद मैं स्वामी जी के लिए मैं बता दूंगा कि श्री गुरु ग्रंथ साहब में हिंदू भक्तों की मुसलमान भक्तों की सूफी भक्तों की सबकी गुरबाणी है उसमें सिर्फ सिख गुरुओं की गुरबाणी नहीं है लेकिन वो जितने भी गुरुओं की गुरबाणी है जितने भी भक्तों की गुरबाणी है वो उनकी है जिन्होंने सब में ब्रह्म देखा जिन्होंने एक ही देखा जिन्होंने आत्मा को पहचान लिया अरे बार बार हमारे गुरु जी कहते हैं जिसने ये पहचान लिया कि ये आत्मा ही परमात्मा है वो ही गुरु है वो पहुंच गया वो ही निरंजन है वो माया से रहत हो गया और वही बातें आपने की है जैसे आपने बात की है वो एक परमात्मा की बात की है कि हमारे सब में है ऐसे ही हमारे गुरु जी कहते हैं है तो सहस तव नैन नन नैन है तोहे कहो साहस मूर्त नना एक तो ही मैं हिंदी में बात करता हूँ गुरु जी कहते हैं कि जे हज़ारों तुम्हारे तुम्हारी आँखें हैं लेकिन तुम्हारी कोई भी आँख नहीं है हम हज़ारों तुम्हारी मूर्त है लेकिन तुम्हारी कोई भी मूर्त नहीं है सुनने वाले हजारों कान तुम्हारे हैं लेकिन कोई भी कान तुम्हारे नहीं है, लेकिन तुम्हारी जोत जो है वो सब में है तो इसमें और जो आप आदरणीय श्री शंकर जी की बात कर रहे हैं उनमें कोई फ़र्क नहीं रह जाता वो एक भाषा का फर्क है लेकिन जहाँ हम पहुँचना चाहते हैं वो रास्ता एक ही है आपने ये कहा है कि जब हम एक देखने लग जाते हैं तो फिर हमारे अंदर ईर्ष्या ख़त्म होने लग जाती है तो गुरु जी कहते हैं बिसर गई सब तात पर आई जब ते साध संगत मोहे पाई जब से मैंने साधुओं की संगत पाली है आप भी साधु हैं जब हम साधुओं की संगत करते हैं तो हम क्या होता है हमारे अंदर की ईर्ष्या ख़त्म होने लग जाती है वो साधु नहीं है जो आपको ईर्ष्या से खाता है जिधर जाके जिसके चरणों में बैठ के आपके अंदर की ईर्ष्या ख़त्म होने ला लग जाती है वही साधु सादू संग साधुओं की संगत है बिस्सर गई सब तात पर आई जब ते साध संगत में पाई फिर क्या होता है ना को बैरी नाहे बगाना सगल संग हमको बनाई फिर मेरा कोई बगाना नहीं रह जाता मेरा कोई बैरी नहीं रह जाता मेरे सब बैरी ख़त्म हो जाते हैं क्योंकि ये बैरी तो सब मन में है मेरी सबके साथ बन आ जाती है फिर आगे जाके कहते हैं कि प्रभु को मिलके मैंने क्या सीखा है मैंने ये सीखा है कि जो प्रभु जो मेरे मालक जो प्रिय जो तुमने किया है वो ही मेरे लिए अच्छा है और ला आखिर में जाके कहते हैं अब मेरे को ये बुद्ध आ गई है कि मैं सब में तुमको ही देखता हूँ वो देख के मेरे मन में खुशी हो गई है और जब हम ये बात करते हैं और जो आपने श्री आदरणीय श्री शंकर जी के नाम से बातें की हैं उनमें कोई फ़र्क नहीं रह जाता हमारा रास्ते हमारा धर्म एक ही है फिर ये भी उसकी माया है कि फिर भी हम दूर दूर होते जाते हैं लेकिन ये मैं बहुत मैं उनका नाम लूँगा जिनकी कृपा से हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं और मैं उनके उपदेश की एक बात करूँगा एक बार सब बड़े प्यार से कहिए तन श्री सतगुरु जगजीत सिंह जी और सतगुरु जगजीत सिंह जी कहा करते थे कि हमने बिजनेस करता है करना है हम हिंदुओं के साथ जैनियों के साथ बौद्धियों के साथ मुसलमानों के साथ बैठ के करते हैं लेकिन जब हमने धर्म की बात करनी है तो हम दूर दूर हो जाते हैं इसी तरह से जैसे हम किसी के साथ बैठ के अपने लाभ्य के लिए वो लाभ जो यहाँ रहना नहीं वो लाभ जो माया है वो लाभ जो एक एलोजन है जो रहना नहीं जब हम उसकी बात करते हैं तो हम इकट्ठे हो जाते हैं लेकिन जब हम परमात्मा को मिलने की बात करते हैं जब हम अपनी आत्मा की बात करते हैं तो तब हम इकट्ठे क्यों नहीं हो सकते तो वो सतगुरु जी के सिखाए हुए ये बचन ऊना जब हमें पता चला डॉक्टर रविशंकर जी से वो बहुत एक बहुत अच्छे इंसान हैं डॉक्टर रविशंकर एक बहुत अच्छे इंसान हैं और उनको मौका मिला उन्होंने हमारे गुरु जी के दर्शन भी किए गुरु जी के दर्शन करने के लिए वो हमारे फार्म पर आए थे तो उनको देखने आए थे वो एक बहुत अच्छे इंसान हैं और अभी हमें ये पता चला है कि वो अच्छे इंसान क्यों हैं क्योंकि वो ऐसे साधु संतों के अनुयायी हैं साधु संतों के साथ मिलके आपकी आत्मा अच्छी हो जाती है अप आप अप, अपने लालच के लिए किसी को दुखी नहीं करते नहीं तो माफ़ करना ये डॉक्टरी पेशा भी ऐसे बन गया है कि कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं कि अपने लालच के लिए भी ऑपरेशन कर देते हैं आपको चाहिए या ना चाहिए लेकिन उनमें बहुत जब आप इस तरह के धर्म साधुओं संतों के अनुयायी बन जाते हैं आप फॉलो करते हैं तो आपके मन में दया आने लग जाती है आप किसी का बुरा करने से डरते हैं ये धर्म के लक्षण ही ये हैं जिसने धर्म पे चलना है मन में मैं ये बहुत बार कहता हूँ कि सबसे पहले धर्म आपको अच्छे इंसान बनाता है किसी को दुखी देख के अगर आपका हृदय द्रव्य नहीं होता आपके हृदय में दया नहीं आती किसी इंसान को दुखी देख के किसी जीव को दुखी देख के अगर आपके हृदय में दया नहीं उपजी तो आप धरती आप धर्म के रास्ते पे नहीं चल रहे अगर आप किसी को दुख दे रहे हो किसी के जाति के नाम से दुख दे रहे हो किसी के धर्म से नाम से लड़ाई कर रहे हो आज भी धर्म के नाम से लड़ाइयाँ होती हैं सैकड़े वर्षों से हो रही हैं तो ये समझ लीजिए आपने धर्म को समझा ही नहीं आप धर्म के रास्ते पे चल नहीं सके दया हमारे गुरु जी तो ये कहते हैं अठसठ तीर्थ सगल पुन जी दया परवान अगर आपके अंदर दया आ गई तो आपने घर बैठे हुए इस अठसठ तीर्थों का स्नान कर लिया एक दया इतनी बड़ी है जो तीर्थों से भी ऊपर हमारे गुरु जी कहते हैं सो आपके अंदर दया आ जाए हमारे अंदर प्रेम आ जाए और ये कैसे आता है ये गुरु की कृपा से आप आता है जब गुरु कृपा करते हैं उनकी बख्शिश होती है उनकी नजर होती है तब हमारे अंदर प्रेम उपजता है और उसी प्रेम से हम सब के अंदर एक जो देखने वाली बात है मैं ये कहूँगा स्वामी जी जब एक देखने लग गए तो फिर तो वो पीएचडी हो गई वो सबसे ऊपर की अवस्था है जब द्वैत भाव ही मिट गई तो फिर आप यहाँ बैठे हुए ही मुक्त हैं आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं जिसके अंदर द्वैत भाव मिट गया वो तो यहाँ बैठा हुआ ही मुक्त है लेकिन उस पे चलने के लिए वो गुरु कृपा करता है तो वो मिटता है उस पे चलने के लिए सबसे पहले आपके अंदर हमारे अंदर दया आए हमारे अंदर की ईर्ष्या ख़त्म होए सतगुरु प्रताप सिंह जी कहते हैं कि वो बहुत बड़ी बात है कि हम सबके अंदर निरंकार देखें लेकिन हम इंसान समझ के ही बुरा ना करें हम जानदार जीव समझ के ही किसी का बुरा ना करें जब हम किसी का बुरा नहीं करेंगे जब आपके अंदर धर्म आएगा आप इस रस्ते पर चलेंगे जब आपने किसी को गाली दे दी आपने किसी को बुरा भला कह दिया तो आपका अपना अंदर ही दुखी हो जाता है आपको अपने आप महसूस होने लग जाता है कि मैंने गलती की है मैंने जिसको दुखी किया है वो भी मेरे प्रियतम मेरे प्रिया की बनाया हुआ है उसमें भी उसका वास है आपने किसी आत्मा को दुखी किया है तो आत्मा ही परमात्मा है जब हम इस रास्ते पे चलते हैं तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगा कि बेशक हम बात करते हैं गुरबाणी की बात करते हैं स्वामी जी ने श्री आदरणीय श्री शंकराचार्य जी की बात की है तो वो बातें तो एक ही है रास्ते अलग अलग हो सकते हैं हमारे पूजा के ढंग अलग हो सकते हैं लेकिन हमने पहुंचना एक जगह ही है और बहुत खुशी होगी इसी तरह स्वामी जी आते रहे हम भी इनके पास आएँ जो स्वामी जी ने सहयोग की बात की है जैसे भी ये कहेंगे हम हाजिर हैं और वो सहयोग करके हमें खुशी होगी अच्छे काम में सहयोग करके कोई हमारा बड़प्पन नहीं है वो तो मैं समझता हूँ कि हमारे धन्य भाग होते हैं कि हम किसी अच्छे काम में सेवा करें हमारे सतगुरु जी सतगुरु जगजीत सिंह जी ये हुक्म करते थे कहीं कोई लोड़मंद मिलता है कोई ज़रूरतमंद मिलता है आप अपनी की हुई कमाई से उसकी मदद करो और मदद करके उसकी सहायता करके ये मत समझो कि आपने बहुत बड़ा काम किया आप ये धन्यवाद करो कि आपने मेरे से ये मदद ले ली, ली और उस अकाल पुरख का अकाल मूर्त का धन्यवाद करो कि आपने मेरे को ये मौका दिया कि मैं किसी की सेवा कर सकूं अगर आपने कोई अच्छा काम किया आपने किसी की मदद की आपने दान किया दान करके आपके अंदर हंकार आ गया तो आपका सब किया कोया नेफल हो गया हमारे और परमात्मा के बीच गुरबाणी के मुताबिक अंतर क्या है वो हमय के अंतर है जितनी देर ये मैं ख़त्म नहीं होती मैं क्या है ये ये जो शरीर हम लेके बैठे हैं ये जो माटी का शरीर लेके लेके बैठे हैं इसको मैं समझ बैठे हैं और जब ये मैं ख़त्म नहीं होती गुरु जी कहते हैं आपने बहुत बार सुना है तू तू करता तू हुआ मुझ में रहा ना हो जब आपा का मिट गया जत देखा तत तू जब ये मैं ख़त्म हो गई जब ये अहंकार ख़त्म हो गया जब ये ख़त्म हो गया कि ये शरीर मेरा है तो फिर हर जगह परमात्मा दिखने का रास्ता शुरू हो जाता है वो एक छोटा सा पर्दा है लेकिन वो पर्दा हमै का है जितनी देर हॉमै की पीड़ खत्म नहीं होती होमे की पीढ़ के साथ ही चिंता की पीढ़ है जब होमे ख़त्म हो जाती है तो चिंता भी ख़त्म होने लग जाती है क्योंकि जब हम समझते हैं ये मेरा है ये नुकसान मेरा हो रहा है ये मेरा काम नहीं तो फिर आपको चिंता भी होती है जब हम उस रास्ते पे तुरने चलने लग जाते हैं कि करने कराने वाला तो मेरा मालिक है उसको आप कोई भी नाम लो किसी भी नाम से लो सतगुरु राम सिंह जी का नाम लो आप भगवान कृष्ण का नाम लो आप भगवान राम का नाम लो वो है तो सब एक ही गुरबाणी में जिसको हम किर्तभ नाम कर लें कितब नाम क्या है जो उनके एक्शनों से नाम पड़े हुए हैं वो ज़्यादा नाम गुरु जी ने राम का नाम यूज़ किया है तो वो किरतभ नाम यूज़ किए हैं सतगुरु जी ने तो किसी भी नाम से आप याद करो परमात्मा तो एक ही है जब ये हो जाता है तो मेरा तो कुछ नहीं है सब कुछ तेरा है मेरे को आप मैं तुम्हारी रजा में खुश रहूं मैं तुम्हारे किए में खुश रह सकूं जब मेरा नहीं रहता तो मैं उसके किए में खुश रह रहता हूं तो मैं एक छोटी सी साखी सुना के अपनी बात ख़त्म करूंगा बहुत देर हो गई है बैठे हुए भी एक हमारे नामधारियों में बाबा बुड्ढा सिंह जी हुए हैं अमृतसर आजकल शायद तरन जिले में पड़ता है उनका गांव तो उनकी बात है कि वो बाहर दाने निकाले हुए थे तो दानों का जब हमारे उसको बोलते हैं कि एक ढेर लगा हुआ था तो वहाँ बाबा जी बैठे हुए थे तो कुछ चोर आ गए तो वो चोर दाने उठा के जाने लगे तो जाने लगे तो बाबा जी ने उनको रोका उनको रोका तो उन्होंने बाबा जी को मारा बहुत गहरी चोट लग गई ये ब्रिटिश टाइम की बात है तो उस टाइम में वो घर आए घर वहाँ तहसीलदार आया या कोई ऑफिसर आया तो किसी ने बता दिया कि इन चोरों ने बाबा जी को मारा है तो वो बाबा जी के घर गया पूछने गया बाबा तुमको किसने मारा है बोल रहे मेरे को किसने किसी ने नहीं मारा तो बोल रहे क्या बात हुई क्या हुई पहले उनको भेज दिया कि जाके चोरी करो फिर मेरे को कहा कि उनको रोको फिर उनको कह के मेरे को मरवा मेरे को मार करवा दी तो मारने वाले में भी वो बाबा जी ने उन्हीं को देखा वो लोग पहुंच जाते हैं वो ब्रह्म ज्ञान की बात है वो दूसरा देखते ही नहीं तो ये हम सतगुरु जी के चरणों में ये हम प्रार्थना करते हैं कि हमें भी उस आनंद का मौका दो हम भी वो आनंद ले सकें ये बातें करके बहुत अच्छी लगती हैं ये ज्ञान बहुत अच्छा लगता है लेकिन जो रियलाइजेशन है जब वो प्राप्ति होती है अनंत तो उसी बात का है तो हम ये मांगते हैं कि सतगुरु जी मेरे को भी वो अनंत जिसकी हम बात करते हैं जिसको हम ब्रह्म ज्ञान कहते हैं जिसमें आप मेरे को सब में दिखो मेरे को भी उस अनंत की अनुभूति हो मैं इतनी बात करके एक बार फिर स्वामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सतसंगत जी सार्यानु सत काल एक बार फिर बड़े प्यार आखिए तो हम सतगुरु